अस्सलाम वालेकुम माय यूट फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार श्रम टाकोस जी हाँ ये स्नैक टाइम में भी आप खा सकते हैं चलिए इसको बनाना कैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ मैंने लिए हैं दो पाउंड श्रम उसको धो के अच्छे तरीके से मैंने ड्रेन कर लिया था तो आप किसी भी साइज़ के श्रिम ले सकते हैं बड़े छोटे जो भी आपके पास अवेलेबल हों तो बस आपने करना यह है कि इसको अच्छे तरीके से धो लेना है कुछ तो स्पाइसेस ऐड करते हैं जिनमें है वन टीस्पून ब्लैक पेपर वन टीस्पून पेपरिका पाउडर वन टीस्पून चिली पाउडर वन पॉइंट फाइव टी गार्लिक पाउडर यह आपकी चॉइस के ऊपर है हाफ टी स्पून सॉल्ट टू टेबल स्पून लेमन जूस या एक छोटे साइज़ का लेमन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है तो देखिए हमारी सिंपल सी मैरिनेशन रेडी है इसके अंदर कुछ हमने ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करे हैं ये देखिए इस तरीक़े से हमारे श्रेम रेडी हैं एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है टू टेबल स्पून बटर इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करते हैं वन मीडियम साइज़ की चॉप्ड अनियन जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज को कट करते हैं इसमें इस सारे वेजेस इसी तरीक़े से ऐड करने हैं टू मीडियम साइज़ के चॉप टोमेटोज मैंने इसके बीज निकाल लिए थे इसमें ऐड करते हैं वन कप चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर। फ्रेश कोरिएंडर यूज़ करने से जो है खाने में ज़बरदस्त खुशबू बहुत प्यारी आती है तो इसको बस अभी करना है हमने स्लाइटली सा मिक्स करना है इसको कुक नहीं करना है क्योंकि अगर हमने इसको कुक कर लिया तो ये तमाम वेजिटेबल्स जो है अपना पानी छोड़ देंगी और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ श्रिम जो हमने मैरिनेट करके रखे थे यहाँ हमने कुकिंग को हाई फ्लेम पे करना है क्योंकि हमने श्रिम को सिर्फ टू मिनट्स के लिए कुक करना है अगर हम ओवर कुक करेंगे श्रिम को तो वो बिल्कुल रबर जैसे हो जाएंगे तो श्रिम बनाते हुए इस बात का ध्यान करें कि आपने इसको हाई फ्लेम पे ही कुक करना है यहाँ ऐड करते हैं टू टेबल स्पून चॉप्टेलोपिनियो या आप यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये बिल्कुल आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इनको मिक्स करते हैं श्रिम कभी भी जो है ओवर कोक अच्छे नहीं लगते हैं उनका टेक्सचर भी अच्छा नहीं होता उनका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है तो श्रिम बनाते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है बस आपने दो मिनट से ज़्यादा इसको कुक नहीं करना है चलिए इसके सॉस बनाते हैं जो बहुत ही झटपट सी है फ़ाइव टेबल स्पून कॉटेज चीज़ अगर आपके पास कॉटेज चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पर क्रीम चीज़ काटेड चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप यहाँ पर प्लेन योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं हैं तो इससे स्मूथ सी पेस्ट बनानी है ऐड किया है हैंडफुल मिंट हैंडफुल फ्रेश कोरिएंडर और यहाँ ऐड की थी वन ग्रीन चिल्ली वन टीस्पून गार्लिक पाउडर यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स का भी इस्तेमाल हो सकता है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून ही रेड चिल्ली पाउडर टू टेबलस्पून लेमन जूस अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे भी आपने देखा कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने नमक अभी ऐड कर लिया तो मेरी जो है चटनी स्मूथ नहीं बनेगी और थिक नहीं बनेगी तो नमक आपने हमेशा रायता भी बनाएं जो भी चटनी बनाएं नमक को आपने बिल्कुल एंड में डालना है तो इससे आपकी ज़बरदस्त ज़बरदस्ती स्मूथ और थिक सी सॉस रेडी होगी यहाँ मैंने लिए हैं क्रंची वाले टाकू शेल्स किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं या मैंने जो है इसको लास्ट टाइम बनाई थी टोटियाज़ में तो अगर आपको ये रेसिपी देखनी है बहुत मज़ेदार बनी थी मैं यहाँ पर लिंक शेयर करूँगी ज़रूर विज़िट करिएगा और इन्जॉय करिएगा अब इसके असेंबलिंग करते हैं अगर के आपके पास टाको रैक है तो आप उसके ऊपर भी रख के असेंबल ब आसानी कर सकते हैं और अगर नहीं है तो इस तरह भी काम चल सकता है तो अब अपने मनपसंद आपने इसमें फिलिंग करनी है पहले शर्म की लेयर देंगे उसके बाद लेटस और अनियन की देंगे और उसके बाद जो है अब मज़ेदार सीमी सी सॉस सी हम इसमें ऐड करेंगे इसको पहले से असेंबल करके नहीं रखना है आपने अगर पार्टी वगैरह में इसको रखना है तो आपने श्रम प्लेटस और सॉस सब को अलग अलग रखना है क्योंकि ये जब आपने बनाना है तो जब ही खाना है क्योंकि अगर आप इसको पहले से बना के रखेंगे तो ये सॉगी से हो जाएंगे इसको एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी दूसरी रेसिपी के साथ मुलाकात होती है अपना ढेर सारा ख्याल रखिए देन अल्लाह हाफिज़